नहाने आए हो? दिल्ली मंगोलपुरी। दिल्ली मंगोलपुरी। दोस्तों ये संध्या आरती होने वाली है दोस्तों, ये देख। चलो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों धर्मनगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ हरिद्वार में और काफ़ी दिनों बाद हरिद्वार में आया हूँ और अच्छा भी लग रहा है। और हरिद्वार में मैं स्नान वहन तो करूँगा ही, साथ में कंप्लीट एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि हरिद्वार में अभी क्या चल रहा है। जैसे पता है कि सावन आने वाला है, तो अभी जो है कांवड़ियाँ आ रही नहीं आ रहे तो वो सभी बताऊँगा, बाकी कुछ प्रमुख घाट घुमाऊँगा और संध्या आरती आपको जरूर दिखाऊँगा। तो वीडियो से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं और घुमाते हैं आपको धर्मनगरी हरिद्वार। सो मेरे जस्ट सामने हर की पौड़ी है और यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग मिलने वाली है। अगर अपने गाड़ी से आते हो तो हर की पौड़ी की यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग है और सारी पेड पार्किंग है, तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हो। ये देखो दोस्तों गाड़ी के जो चार्ज है ना, कार के जो पार्किंग चार्ज है वो 120 रुपये, वहीं टू व्हीलर्स के 50 रुपये होने वाले हैं। हरिद्वार में दोस्तों मांगने वाले बहुत मिलते हैं, पता नहीं पूरे भारत से यहीं पे आ जाते हैं मांगने वाले, आपको हर जगह मिलेंगे। ये देखो दोस्तों इस तरह के मार्केट आपको हर जगह मिलेंगे हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा मिलेंगे पानी के बोतल। अगर आप आते हो हरिद्वार में तो गंगा को अपने साथ लेके जाओ। ये देखो इस तरह के प्रसाद वगैरह बहुत मिलेंगे, और पानी की बहुत सबसे ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखो भाई ये नज़ारा है हर की पौड़ी का। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और गर्मी में नहाने का मज़ा तो कुछ और होता है। ये देखिए दोस्तों सामने भागीरथी सेतु, अभी अनुष्ठान होता है वो सामने करवाते हैं, पूजा पाठ करवाना होता है, और उस वही जो अस्थि विसर्जन भी साइड ही होती है। अब ये देखिए कुछ लोग आए हैं। तो दोस्तों गर्मी पड़ रही है हरिद्वार में, और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गंगा का पानी उतना ठंडा है और नहाने में उतना ही मज़ा आता है। तो थोड़ी देर बाद मैं स्नान करूँगा, उससे पहले खुदा आपको हर की पौड़ी में जो ब्रह्म घाट उसको दर्शन करा दूँ, और काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ स्नान करने के लिए। ये देखो भाई ये देखो दोस्तों अब बहुत सारे भोले आ गए हैं और जल लेके जाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो तो कांवड़िया आ चुके हैं दोस्तों, कांवड़िया भी फटाफट अब जल लेके जाएंगे। जो दूर दूर से कांवड़िया आते हैं तो वो जल लेके जाते हैं अभी पहले से ही। भोले कितना जल लेके जा रहे हो? घोड़ा में लेके जा रहे 70 लीटर। 70 लीटर कहाँ जाओगे? दिल्ली मंगोलपुरी। दिल्ली मंगोलपुरी तो अभी निकलोगे? घोड़े में निकलेंगे सुबह, शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे निकलोगे। तो दोस्तों देखिए तैयारी चल रही है फिलहाल, और सजाया जा रहा है पूरी तरह से कलश को। आप अकेले उठाओगे इसको? हाँ। और एक दिन में कितना यात्रा करोगे? एक दिन में मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर। सो देखिए अस्थि प्रवाह घाट सामने है, जैसे मैंने पहले बताया, और यहाँ पे होती है आरती, गंगा आरती, जो कि शाम में होती है और सुबह भी होती है। तो अगर आप आते हो तो आरती ज़रूर अटेंड करना। और सामने है ब्रह्म घाट। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोग कितनी गंदगी करते हैं, और पन्नी वन्नी लेके आते हैं, बिछाते हैं, फिर मतलब उसे फेंकते भी नहीं है, ऐसे गंदगी करके चले जाते हैं पूरी तरह से। ये देखो और ये भाई साहब कान साफ करने वाले भैया हर जगह मिलेंगे आपको कान साफ करते हुए। तो दोस्तों मेरे सामने ये ब्रह्म घाट है, और कहते हैं कि जब अमृत की बूंद यहाँ गिरी थी ना, उसी वजह से यहाँ पर कुंभ लगता है, और दशहरा के बाद और दिवाली से पहले 20 दिन के लिए ये पूरा सुखा दिया जाता है, तब ये पानी बिल्कुल भी नहीं होता, इसकी सफाई होती है। ये देखो और यहाँ पे स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मोस्टली लोग यहीं पे स्नान करते हैं ब्रह्म घाट में। ये देखो सो अगर आप हरिद्वार आना चाहते हो तो देश के किसी भाग में रहते हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, और हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है वो वेल कनेक्टेड है, भारत के जितने भी जगह है उनसे कनेक्टेड है। अगर नहीं है तो आप दिल्ली तक आइए और वहाँ से आप आराम से यहाँ पर हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बस से भी आ सकते हैं और अपने कन्वेंस से आ सकते हैं,
और यहाँ पे घूमने के लिए या तो एक दिन लेके चलिए दोस्तों, अगर एक दिन लेके चलेंगे तो आप इसमें जो है घूमने की जगह है जो कि मनसा देवी चंडी देवी उसको आप घूम पाओगे। सो दोस्तों हरिद्वार में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई ऐसा कोई फेमस तो नहीं है, पर एक जगह है जो मैं आपको बताता हूँ बहुत फेमस है, काफ़ी पुराना है, ये है मोहन जी पूड़ी वाले, काफ़ी फेमस है, काफ़ी जो लोग हैं यहाँ अक्सर आते हैं खाने के लिए और पूड़ी सब्जी खा के जाते हैं। कोई बैठने सीटिंग वीटिंग नहीं है, आपको बाहर ही खाना पड़ेगा इस तरह से, ये देखिए लोग खा रहे हैं। सो दोस्तों आपको हर की पौड़ी के सामने बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, पर यहाँ पर थोड़े कॉस्टली होटल मिलेंगे यहाँ वाले, जो कि घाट के साथ होंगे। सो अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल आप रेलवे स्टेशन के पास ही ले जाए, वहाँ आपको 500 से होटल मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 2,000-1,500 के आसपास ही मिलेंगे, तो यार यहाँ तो मत लेना। श्री भैरव मंदिर, तो दोस्तों यहाँ पूजा पाठ कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, अगर कुछ आरती वगैरह करानी है, कुछ पाठ वाठ करवाना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हो। ये देखो भाई, ये है मुख्य मंदिर सामने, नोएडा के रहने वाले। तो दोस्तों अभी मैं हूँ धनुष ब्रिज पर और जो कि हैप्पी पौड़ी पर ही है, और अगर एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, अगर आप हरिद्वार आ रहे हो ना भैया, अपने सामान के ना देखभाल करना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ वगैरह बहुत होती हैं। अरे पैंट की चड्डी गायब कर देते हैं यार यहाँ के लोग, ऐसा ज़बरदस्त यहाँ पर चोरी होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए मेरे जस्ट सामने है चंडी देवी का मंदिर है और बहुत ऊपर है मनसा देवी की तरह, तो आप वहाँ रोप वे जा सकते हो या पैदल चढ़ सकते हो, पर उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चंडी घाट मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत घाट है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए और घूमने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, इवनिंग वॉक के लिए आप आ सकते हो यहाँ पर, काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे हैं। सो दोस्तों ये देखिए चंडी घाट है, तो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, पर हाँ कम लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, बाकी खूबसूरत बहुत है घाट। देखिए आरती की तैयारी हो रही है पूरी तरह से, लोग बैठ चुके हैं पूरी तरह से आरती के लिए, यहाँ पर संध्या आरती होने वाली है दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों भीड़ देखो कितने ज्यादा है, अभी आरती खत्म हुई है उसके बाद का दृश्य देखिए। तो दोस्तों आरती खत्म हो चुकी है और ये है ब्रह्मकुंड। दोस्तों ये था मेरा हरिद्वार का ब्लॉग और बहुत मज़ा आया, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मतलब मैं तो सोचता था मौसम अच्छा होगा तो मैं तभी यहाँ दिल्ली से निकला था, पर यहाँ आते थे क्योंकि गर्मी इतना बढ़ गई। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चले नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।